हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, जो हमारा थर्ड यूनिट है, उसके पार्ट थ्री की बात करने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हमने यूनिट वन यूनिट टू हमने फिनिश कर लिया, हमने यूनिट थ्री का पार्ट वन पार्ट टू वीडियो हमने अपलोड कर चुका। अब हम आज बात करने वाले हैं पार्ट थ्री की, जिसमें हम बात करेंगे फ्लोरिंग की और मेजोनरी की। हमारी मेजोनरी क्या होती है? साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सारे वीडियो देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके लिए साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप हमारे चैनल के जब चैनल पेज पर जाएंगे तो आपको ऊपर ही सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे तो आपको सारी आपके सिविल के जो सब्जेक्ट हैं उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे सब्जेक्ट को देख सकेंगे। और साथियों, हम जल्द ही आपके लिए सॉलिड मैकेनिक्स का भी आपको यहाँ पूरा जो सॉलिड मैकेनिक्स है, सोम जिसको बोलते हैं, उसकी भी सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के पहले। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम रहते मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, वीडियो लंबा जाएगा, तो आपका साथ चाहिए और साथ में आप साथ चाहिए और थोड़ा सा देखते रहिए आप इसको क्या कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप एक्चुअली स्टूडेंट होंगे तो आप इसको सिर्फ आपको सुनना है, देखना है, आप इसको याद कर लेंगे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है साथियों, ये आपको प्रैक्टिकल आपके आंखों के सामने होता है हमेशा कहीं ना कहीं। अगर बात में फ्लोरिंग की, फर्श तो आप हमेशा देखते हैं, मेजोनरी कहीं भी एक घर बिल्डिंग बनती रहती है उसको आप देख लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान सा है, बस आपको इसमें थ्योरी है उसको समझना है और एग्जाम में जाके लिख देना है और अच्छे से मार्क्स स्कोर करके चले आना है। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बात हमारा क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या, फ्लोरिंग। फ्लोर जानते ना, जो फर्श, आप फर्श तो देखे होंगे हर बिल्डिंग में, यदि हर घर में फर्श तो देखते ही होगा आपको, उसी फर्श की बात कर रहे हैं और कोई फर्श की नहीं, वही एक फर्श रहेगी। अब साथियों, फर्श होता क्या है, जब हम फर्श बनाते हैं तो वो हमको क्या देता है, एक समतल क्या इवन सरफेस देता है और साथ में हमको एक अच्छा लुक देता है और अच्छे से हमको एक स्ट्रेंथ देती है। मान लीजिए भी अर्थ का सरफेस होता है तो उसमें हम जो फ्लोर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी कुछ वर्क करते हैं तो वो हार्ड नहीं होती है, उसमें कुछ वर्क करने जाता है तो कंप्रेस हो जाती है और डस्ट उड़ती है। ये सारी चीज़ें हमको ड्राइवेक मिलते हैं कहाँ पे, अर्थ में। तो हम जब फ्लोरिंग कर देते हैं तो अच्छा लुक आती है, साथ में अच्छा बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं, भी हम बात करने वाले हैं। फ्लोर क्या हमको देता है, एक इवन सरफेस देता है। अब हमारे ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, अपर फ्लोर हो सकता है, और यहाँ पे बीच में जो फ्लोर होते हैं वो सब फ्लोर हो सकते हैं, कई सारे फ्लोर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फ्लोर की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बात करते हैं हम कि जब हम फ्लोरिंग मटेरियल हम यहाँ पर अगर माल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, कैसे फ्लोर में हमको क्या क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी हम बात करें। तो पहला हमारा आता है अपीयरेंस। साथियों, क्या आता है, अपीयरेंस। क्योंकि चाहे जो भी मटेरियल यूज करें या फिर चाहे जो फ्लोर तैयार करें, वो हमको देखने में अच्छा लगना चाहिए, अपीयरेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में कलरफुल हो सकता है, और या फिर जो कन्फॉर्मिटी इन द विद द यूज ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि जो हमारी कलर है, जो कलर का इफेक्ट है, वो हमारी बिल्डिंग के साथ मैच करना चाहिए, मतलब कि एक ग्रेडियंट होना चाहिए, एक लुक के साथ आना चाहिए। पता चला हम रंग बिरंगा फ्लोरिंग कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। फिर जब हम बात करते हैं मटेरियल की, तो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज करें जो स्ट्रांग हो, ड्यूरेबल हो, और जो हमारे वियर एंड टीयर, मतलब सच्ची जो हम चलते हैं ना तो उसमें वियर होता है, टीयर होता है। कई सारे कई बार हम क्या, कई सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे घिसड़ते हुए ले जाते हैं, तो वियर एंड टीयर से बचाने में कैपेबल होना चाहिए। और साथ बात करें तो जो नॉइज की बात करें, तो जब हम फ्लोर पे चलें तो वहाँ पे कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए, क्या कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जब हम उसका यूज करें तो। क्योंकि नॉइज क्या होता है, हमको डिसकंफर्ट देता है, वो हमको थोड़ी सी कहें कि वो हमको अच्छा नहीं लगता। कभी भी अगर आप देखे होंगे, आप रूम में रहे हो, कोई आ जा रहा है, आपको नॉइज सुनाई देती है तो आपको डिस्टर्ब करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जो फ्लोर यूज कर रहे हैं, जो फ्लोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें हमको क्या चाहिए, वो कोई नॉइज प्रोड्यूस ना करे, साउंड एब्जॉर्ब कर सके, तब तो और अच्छी बात है, तो हमको ध्यान देना है। और साथ में अगली पॉइंट आते हैं भाई कास्ट की, जो मटेरियल कास्ट है वो भी हमको कम से कम रखनी है, या फिर कहें इकोनॉमिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिल्डिंग से ज़्यादा तो हम फ्लोरिंग में पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान देनी है, ऐसा मटेरियल हमको यूज करना है। और साथ में हमको फायर रेजिस्टेंस और डैम प्रूफ मटेरियल यूज करना है, ताकि नीचे से सीलन ना आ पाए और साथ में फायर को भी रजिस्ट कर पाए। क्योंकि मान लीजिए आप बिल्डिंग में फायर लगता है तो आप कहाँ पर होंगे, कहीं किसी फ्लोर पर ही तो होंगे, आपको सरफेस चाहिए उस समय। अगर मान लीजिए सबसे पहले बिल्डिंग से पहले आपको फ्लोर में ही आग लग गई तो आप कहाँ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है कि हमको फायर रेजिस्टिंग होना चाहिए। और साथ में जो इसकी मेंटेनेंस कास्ट है, वो मेंटेनेंस हम उसको इजी से और चीप सस्ती होनी चाहिए, मतलब उसकी धुलाई कहें, उसको रख रखाव कहें, मान लीजिए बीच में कहीं टूट फूट जाते हैं, उसको हम आसानी से मेंटेन कर पाएँ, उसको आसानी से रिपेयर कर पाएँ,
ये बात आती है भाई मेंटेनेंस में। बिजली कभी होता है ना कि टूट जाता है कहीं बीच में, आप देखेंगे सेटलमेंट हो गया बीच में ग्राउंड का, तो क्या होगा वो धस जाता है, तो या फिर कभी आपको हैवी चोट, हैवी आपका लोड गया, आप थोड़ा क्रैक हो गया, तो उसको हम आसानी से मेंटेन कर पाएँ, रिपेयर कर पाएँ। इसके लिए हमको ईजी होना चाहिए मेंटेनेंस और सस्ता भी होना चाहिए। साथ में क्लीनिंग की बात करें, जो हम क्लीनिंग की बात करें तो आसानी से इफेक्टिवली क्लीन होना जाए हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई दाग धब्बा छूटा जाए, हम क्लीन करते में परेशान, क्लीन करते करते ही परेशान रहें। स्लिपरीनेस बात करें तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए उसमें ज़्यादा स्लिप न करें। स्लिप मतलब सर फिसलना, आप जानते हैं ना, फिसलेंगे तो आप गिरेंगे, आप गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, और चोट आपको लगनी नहीं चाहिए, चोट लगी तो उसके अलग नुकसान है। हमको ऐसा चाहते हैं ना कि हम स्लिप न करें, जैसे हमको मटेरियल भी, जब मटेरियल यूज करते हैं ना, तो हमको वो देखनी है कि, और यहाँ बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लोरिंग, फ्लोरिंग भी हो सकता है कि हमको एक अच्छे फ्लोर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है डेंजरस हो सकता है चिल्ड्रेन के लिए, और जो बूढ़े लोग हैं आप दादा दादी होते हैं ना, गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं और भी कमज़ोर है पहले से, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं। तो सारी चीज़ हमको बात करें, चिल्ड्रेन और ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करें कम्फर्टेबल होना चाहिए, कि जैसे लिविंग में वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए। कॉर्क, रबर, प्लास्टर, लिनोलियम, ETC आर प्रिफर्ड फ्रॉम द कम्फर्ट व्यू पॉइंट। कम्फर्ट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया वो कार्क हो गया, रबर प्लास्टर, लिनोलियम, ये सब जो मटेरियल है इनको हम यूज करते हैं, हम कंफर्ट फील करते हैं, चाहे रहने के लिए बात हो, चाहे हम बात करें वर्किंग कंडीशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमको यूज करते हैं, एक कम्फर्टेबल हमको लुक देती है। तो थोड़ी सी बात हो गई कि हमको फ्लोरिंग में क्या क्या विशेषताएँ चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बात करते साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लोर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी हमको डिस्कस करना चाहिए। आइए हम देखते हैं पहले हमारा क्या है टाइप ऑफ फ्लोर। तो पहला हमारा आता है ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर। जानते हैं ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर, ये बिल्कुल जैसे हम देख रहे हैं ना उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर दिए भाई, ग्राउंड फ्लोर में अपर फ्लोर में। अभी हमने मटेरियल के बेस पे इसको डिवाइड नहीं किया है, तो हम ग्राउंड फ्लोर हम क्या बोलते हैं, द फ्लोर इज बिल्डिंग इमिडिएटली अबव द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड फ्लोर। जो तुरंत ग्राउंड के ऊपर हमारा फ्लोर तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। इन केस ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग हैज बेसमेंट, द फ्लोर इज टर्म्ड द बेसमेंट फ्लोर। ग्राउंड पे है तो ग्राउंड फ्लोर, अगर हमारे बेसमेंट में है तो हम इसको बोल देंगे बेसमेंट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, जैसे नेम सजेस्ट है तो वही आपको तुरंत ग्राउंड के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, इसमें कोई ज़्यादा फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इज प्रोवाइड टू क्लीन, स्मूथ, ड्यूरेबल, इम्परमियस लेवल सर्फेस फॉर द यूजर्स। क्या है पर्पज बोला गया, कि हमको एक क्लीन, स्मूथ, ड्यूरेबल और हमको एक इम्परमियस लेवल सर्फेस हमको चाहिए या फिर यूजर को प्रोवाइड करवाना है। अब यहाँ पे इम्परमियस इसलिए बोला गया ताकि उसमें से डैम प्रूफिंग किया जा सके, उसमें डैम्पनेस हमारे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फ्लोर पे ना आए। अभी हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब बात करते हैं अपर फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपर फ्लोर में आते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फिर टॉप मोस्ट फ्लोर, वो हमारे किस में आते हैं अपर फ्लोर में। यहाँ पर क्या होता है, द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल आर स्लोप्ड स्ट्रक्चर कवरिंग द रूम्स फ्रॉम द टॉप इज नोन एज रूफ। चाहे वो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल या स्लोप स्ट्रक्चर जो हो, जो रूम को ऊपर से कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं रूफ। ऑल इंटरमीडिएट फ्लोर्स आर नोन एज अपर फ्लोर्स। मतलब कि जैसे हमारी कई बिल्डिंग है, जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, रूफ। ये हमारी क्या हो गई, रूफ। लेकिन इसके बीच जितने भी बिल्डिंगें हैं, जितने भी हमारे फ्लोर होते हैं, जितने हमारे फ्लोर हैं वो हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं अपर फ्लोर है। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो ये ग्राउंड फ्लोर साथियों, आप वहाँ दिमाग में दौड़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा, जो अपर फ्लोर्स होते हैं ये मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी सिंस दे आर सपोर्टेड ओनली एट दियर एंड्स ऑन वॉल्स और बीम्स। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, हमको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम अपर फ्लोर की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ दीवार पर टंगी होती हैं, तो फिर जो बीच में होती है उस पर टिकी होती हैं, उनका लोड वहाँ ट्रांसफर होता है। ग्राउंड फ्लोर के जैसा नहीं होता कि हर जगह आपको एक ग्राउंड है वहाँ पे तुरंत आपका जो लोड है वो ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम बनी रहती है और स्टेबिलिटी की और स्ट्रेंथ की, ये हमको ध्यान देना है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमको जो स्टेबिलिटी है या फिर कहें जो बीम है उसको हमको थोड़ा सा अच्छे प्रकार से डिजाइन करना चाहिए। यहाँ बोला गया, इफ स्पैन ऑफ द रूम इज लार्ज, ये हमारा जो स्पैन है, हमारे डिस्टेंस बोल सकते हैं, स्पैन आप इंजीनियरिंग भाषा में जानते हैं स्पैन क्या होता है, एक जो दोनों बीम, जो दोनों वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो बड़ा है, तो वुडन, स्टील या फिर RCC गर्डर यूज किए जाते हैं बिलो द पैटेज टू स्पैन द लार्ज रूम्स। पैटेज मतलब कि रूफ के नीचे
क्या होता है, ऐसे गर्डर यूज किए जाते हैं ताकि हम उनके लोड को ट्रांसफ़र कर पाएँ वाल पे। तो ये आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है जब हम अपर फ्लोर की डिज़ाइन करते हैं तब भी। थोड़ा थोड़ा हमको लिखना है तो क्योंकि आप ज़्यादा आप बना पा रहेंगे, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं सिवाय इंजीनियरिंग के, तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको करनी है। फ्लोरिंग मटेरियल क्या होती हैं, मतलब कौन कौन से मटेरियल हम फ्लोर में यूज करते हैं, इसमें से आप कुछ नया सुनेंगे लेकिन आज हम बात करते रहेंगे। एक होता हमारा मड एंड मुरम हो जाता है, ब्रिक्स हो जाते हैं, फ्लैग स्टोन, कंक्रीट, टेरेजो, मोजैक, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनोलिथिक फिनिश, वुडन टिम्बर, ये सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम फ्लोर में यूज करते आए हैं या फिर और यूज करते भी हैं। ठीक, कुछ मटेरियल के हिसाब से हम फ्लोर को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो साथियों अगर हम मटेरियल के हिसाब से बात करें तो हमारा जो पहला फ्लोरिंग आती है वो मड फ्लोरिंग आती है। ये हमारी सबसे बिल्कुल लो कास्ट की हाउसिंग होती है, चीप होगा वो सस्ता मिलता है और साथ में इजी होता है कंक्रीट करना और साथ में अच्छा थर्मल इंसुलेशन भी देता है। तो मड फ्लोरिंग आप जानते हैं मड क्या होता है, अच्छा इंसुलेशन कवर करता है, चाहे वो हीट की बात हो चाहे थर्मल की बात हो, सॉरी चाहे थर्मल की बात हो चाहे साउंड की बात हो, आसानी से वो क्या करता है हीट को या फिर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देख रहे होंगे पुराने गाँव में या फिर साथियों मड फ्लोरिंग या फिर यहाँ कहें ये काउ डंग से या फिर डंग से क्या करते हैं इसकी लिपाई कर देते हैं। ये थोड़ा सा फ्लोरिंग को फिनिशिंग करने के लिए होता है, लेकिन उसके आगे नीचे देखेंगे तो हमारे अर्थ होते हैं मड ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिएगा ए ओवर ए वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड 25 सेंटीमीटर थिक सिलेक्टेड मॉइस्ट अर्थ इज स्प्रेड एंड देन रैम्ड टू गेट इनटू कंपैक्टेड थिकनेस। मतलब बोला गया यहाँ पे क्यों क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर थिक क्या करते हैं, मॉइस्ट अर्थ मतलब कि थोड़ा सा गीली जो मिट्टी होती है उसको यहाँ फैलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं रैम से उसको कंपैक्ट करके 15 सेंटीमीटर तक ला देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो मड फ्लोरिंग है प्रोवाइड हो जाता है। आगे बात करें साथियों तो टू अवॉइड द क्रैक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा आर काउ डंग इज मिक्स। अब क्या होता है जब हमारा अर्थ सूखता है तो उसमें क्या होती है श्रिंकेज होने लगती है, श्रिंकेज होकर बीच बीच हमको क्रैक्स देखने को मिलते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा या फिर काउ डंग क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ समझिएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एक्स्ट्रा भी हम एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है भूसा उसको हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। ये एक एज ए रेनफोर्समेंट काम करती है किसमें मड फ्लोरिंग में। अब अगला आता है हमारा मुरम फ्लोरिंग। मुरम फ्लोरिंग की बात करें साथियों यहाँ पे क्या होता है जो ग्राउंड फ्लोर हैविंग इट्स टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ मुरम इज कॉल्ड मुरम फ्लोरिंग। इसमें आप कुछ मुरम देखेंगे, मुरम एक गिट्टी होती है, गिट्टी टाइप की होती है, मुरम हमको ऊपर मुरम देखने को मिल जाएगी। ये क्या होते हैं आसानी से क्या होते हैं इजिली एंड चीपली रिपेयरेबल, इसको आसानी से और बिल्कुल सस्ते में इसको रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्टली यूज इन द रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है वहाँ पे अच्छी आसानी से इसका यूज किया जाता है। अगला मतलब ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग मतलब से नाम सुनते हैं क्यों क्या करेंगे फ्लोर में हम ब्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे जो जैसे वेयर हाउस होते हैं जैसे स्टोर्स और गोडाउन होते हैं इसमें हम क्या कहते हैं कंपैक्टेड प्रॉपरली इसमें हम 75 सेंटीमीटर थिक लेयर को सही से क्या करते हैं यहाँ पे सैंड को स्प्रेड करते हैं और यहाँ पे इसको आसानी बिल्कुल प्रॉपरली कंपैक्ट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं जो कोर्स ब्रिक होती हैं उसको हम क्या करते हैं उसको भी हम बिछा देते हैं, लेड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया ब्रिक फ्लोरिंग इज लेड, यहाँ पे सेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया 12 mm ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर थिक के ऊपर क्या करेंगे 1.5 सेंटीमीटर की बेड सीमेंट, किसकी बेड ऑफ सीमेंट और लाइम मोर्टार को हम यूज करते हैं वहाँ पर बिछाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर थिक ऑफ लीन सीमेंट कंक्रीट या फिर लाइम कंक्रीट को एज ए सबलेट वहाँ पे बिछाते हैं या फैलाते हैं। पहले हम क्या किए 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर सैंड को बिछाए, फिर उसके बाद एक हमने सब ग्रेड बनाए किसका ये हो सकता है या फिर हमारा सीमेंट और सीमेंट का हो सकता है फिर लाइम मोर्टार का हो सकता है या फिर ये लीन सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है। यदि हम सीमेंट या लाइम मोर्टार रख रहे हैं तो इसकी थिकनेस हमारी 12 mm होगी, अगर हम इसके लीन सीमेंट कंक्रीट या फिर लाइम कंक्रीट की रख रहे हैं तो हमारा होगा 10 से 15 सेंटीमीटर। मोर्टार हमारा mm में होता है, जब हम कंक्रीट बताते हैं हम सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं। तो हम एक सबग्रेड तैयार करते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे ब्रिक को यहाँ पे हम उसको ले कर देते हैं बिछा देते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है इसमें कुछ जो लेवलेटर सैंड स्टोन होते हैं जैसे एक साइज हो गया मान लीजिए जनरल साइज 45 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं पेविंग। इसमें क्या होता है स्लैब्स आर लेड ऑन कंक्रीट बेस, इसमें हम पीछे तो नीचे हम क्या करते हैं कंक्रीट के बेस तक करते हैं जिसकी थिकनेस हमारी 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम उसमें लेइंग वर्क करते हैं मतलब कि उसको बिछाने का वर्क करते हैं, वो कैसे डायगोनली फ्रॉम 2 डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स ब्राट अप फ्रॉम द बोथ साइड, मतलब कि बगल बगल से हम इसको डायगोनली हम क्या करते हैं बिछाना स्टार्ट करते हैं, इधर से इस साइड से बिछाना स्टार्ट करते हैं।
ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द टू कॉर्नर टू स्लैब द करेक्ट लेवल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एक स्ट्रिंग लगा लेते हैं ताकि हमको पता चले कि एक लेवल में एक नहीं लेवल में, इस प्रकार से ये हमारी तिरछी होगी कुछ। लेकिन जो स्ट्रिंग लगाएंगे तानते हैं तो आप देखेंगे हमारे मेजरमेंट्स होते हैं वो लगाते हैं एक धागा लगाते हैं ताकि देखते हैं लेवल में है कि नहीं है, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। मोर्टार इन द जॉइंट्स इज रैग्ड आउट द डेप्थ ऑफ 15 to 20 में एंड प्रॉपर स्लोप इज गिवन फॉर द ड्रेनेज। तो यहाँ पे जो बीच में है ये है जो यहाँ पे क्रैक बैठते हैं जो रेक बैठते हैं उसमें हम 15 से 20 mm तक उसमें क्या करते हैं मोर्टार हम यहाँ पे फिल करते हैं और साथ में एक प्रॉपर ढाल भी देते हैं। ये हमारा होता है हमारा फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। आगे हम बात करें सीमेंट कंक्रीट की, तो बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही आप इसको देखे होंगे किसमें क्या करते हैं, चाहे वो हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट करने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इसलिए कंक्रीट फ्लोरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, क्या यहाँ बोल सकते हैं, बेस कंक्रीट उसके बाद टॉपिंग। बेस कंक्रीट में क्या होता है कि हमने कंक्रीट के एक कंक्रीट मिक्स बनाया, उसको हम डाल दिए, सेट होने के बाद हमने क्या किया उसकी टॉपिंग कर दी, मतलब उसको फिनिश कर दी ऊपर से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का आप फ्लोरिंग मिल जाएगी जिसको बोलते हैं कंक्रीट फ्लोरिंग। आगे बात करते हैं टेरेजो फ्लोरिंग क्या होती है। टेरेजो क्या है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द टाइप ऑफ फ्लोर फिनिश लेड इन द थिन लेयर ओवर द कंक्रीट टॉपिंग। अब यहाँ कंक्रीट टॉपिंग होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी हमको इसको और सजावट के लिए इसको और डेकोरेट करने हम क्या करेंगे टेरेजो फ्लोरिंग यहाँ पे करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि टेरेजो इज ए स्पेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट सर्फेस कंटेनिंग सीमेंट एंड मार्बल चिप्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1.25 और 1:2। इसमें क्या होता है जो सीमेंट कंक्रीट और उसके साथ हम क्या करते हैं मार्बल चिप्स दोनों को मिक्स करके एक रेशियो में क्या करते हैं हम टेरेजो को फार्म करते हैं, उसको वहाँ पे ले कर देते हैं। तो मार्बल चिप्स जो हमारे हैं जो इसकी साइज़ है यहाँ देख सकते हैं, इसको ये वेरीज कर सकते हैं 3 to 6 mm तक। और द सब बेस प्रिपेरेशन एंड कंक्रीट बेस लेंग इज डन द सिमिलियर मैनर, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब बेस प्रिपेयर किए फिर उसके बाद हमने उसको कंक्रीट बेस पर जो हमारा मार्बल चिप्स उसको ले करते हैं वो सिमिलर मतलब एक साथ करते हुए चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कितना डेकोरेटिव हमको यहाँ पे फ्लोर मिल जाता है। तो आपको पैटर्न देख सकते हैं, अलग अलग पैटर्न मिल जाती हैं। इस प्रकार से हम मोजैक में भी करते हैं, मोजैक फ्लोरिंग भी सेम इसी प्रकार से होती है, लेकिन वहाँ मार्बल चिप्स बजाय यहाँ पे चाइना ग्लेज और यहाँ पे मार्बल, वही बात हुई ब्रोकन मार्बल से ब्रोकन चाइना ग्लेज है उससे हम एक छोटे छोटे पीस बनाते हैं, फिर इसको अलग अलग डिफरेंट पैटर्न में हम वहाँ पे फ्लोर पे हम लगा देते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है मोजैक फ्लोरिंग। तो इसके लिए भी हमने कंक्रीट बेस तैयार करते हैं जो 5 से 8 cm थिक होती है, ये लाइम सुर्खी मोटार हो सकती है, बिछाने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं लेवल कर देते हैं। आगे हम बात करें तो ऑन दिस 3 mm थिक सीमेंटिंग मटेरियल इज स्प्रेड एंड लेफ्ट ड्राई फॉर द अबाउट 4 hours, मतलब कि 3 mm थिक एक सीमेंटिंग मटेरियल, वो सीमेंट हो सकता है लाइम हो सकता है, वो भी हम बिछा देते हैं, वो 4 घंटे तक सूखने का वेट करते हैं, फिर जो मोजैक है उसको हम वहाँ पर डाल देते हैं। ये बात होती है टाइल फ्लोरिंग, आप जानती हैं आपको अलग अलग साइज में अलग अलग शेप में आपको टाइल्स मिल जाती हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं उसको आसानी से हम बिछा देते हैं, बेस तैयार करते हैं, बेस के ऊपर उसको हम बिछा देते हैं, फिर साथ में वो सेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारे हाउस ऑफिस स्कूल में अधिकतर यूज होते हैं। आगे हम बात करते हैं मार्बल फ्लोरिंग की, तो जैसे टाइल फ्लोरिंग है वैसे मार्बल फ्लोरिंग है। जब यहाँ पे टाइल में हमारा क्या होता है चाइना ग्लेज की होती हैं और जो मार्बल होती हैं वो हमारी मार्बल स्टोन्स की होती हैं। जैसे हमारा सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज यूज बाथरूम किचन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हॉस्टल सेनेटोरियम्स और यहाँ पे टेम्पल्स, वहाँ पे हम क्या करते हैं मार्बल फ्लोरिंग यूज करते हैं जहाँ पे हमको अधिक से अधिक क्लीनिस हमको स्वच्छता की जरूरत होती है, सफाई जरूरत होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं मार्बल फ्लोरिंग यूज करते हैं क्योंकि इजी टू वॉश होती हैं, ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करती, तो सारी चीज़ें हम मार्बल फ्लोरिंग वहाँ पे यूज करते हैं। ओवर द बेस कंक्रीट ऑफ 20 mm थिक मोर्टार अंडर द एरिया ऑफ ईच इंडिविजुअल स्लैबिज स्प्रेड, मतलब कि 20 mm का हम क्या करते हैं वहाँ पे एक बेस तैयार करते हैं, वो भी मोर्टार का होता है, तो उसके ऊपर हम मार्बल को यहाँ पे फैला देते हैं। मार्बल इज देन लेड ओवर इट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं मार्बल तो बचाते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे वुडन मैलेट से इसको थोड़ा सा जेंटली प्रेस करते हैं ताकि जहाँ पे कहीं बीच में कहीं एयर हो तो प्रेस हो जाए और एयर निकल जाए, क्योंकि बाद में जो एक साउंड आती है अगर एयर आ जाए तो साउंड आ जाती है वहाँ, फिर हमको क्रैक होने की संभावना वहाँ से बढ़ जाती है। फिर आगे बात करते हैं टिम्बर फ्लोरिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है जैसे कारपेंट्री हॉल्स हो गए, डांसिंग हॉल्स हो गए, ऑडिटोरियम हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमको उसको एकॉस्टिक्स बनाना होता है, वहाँ पे ऐसे मटेरियल यूज करने होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, तो वहाँ पे टिम्बर एक वाइटल प्ले रोल प्ले करता है, तो इसके लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं टिम्बर फ्लोरिंग यूज करते हैं। और ये थोड़ा सा लेकिन ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा कॉस्टलियर होते हैं, थोड़ा सा आपको महंगे पड़ते हैं।
कुछ हमने फ्लोरिंग की बात की, टाइप्स ऑफ मटेरियल की, वैसे हमने बात किया सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर की। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जो ये हमारा काम पूरा हो गया, अब हम बात करते हैं ब्रिक मेजनरी, मतलब कि ब्रिक की चिनाई, चिनाई जानते होंगे ना, जैसे ईंट की जुड़ाई होती है, तो किस प्रकार से ईंट की जुड़ाई होती है, ब्रिक मेजनरी क्या है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथियों आप ये पर्सन को देख रहे हो ना, यदि इसका कोई फेस आपके क्लास में किसी लड़के को मिलती हो ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर जरूर लिखिएगा, ताकि वो पढ़े बाद में, मतलब कि समझ रहे हैं ना, कोई भी लड़का लड़के का फेस अगर इससे मिलता हुआ कमेंट बॉक्स में हमको जरूर चाहिए, ताकि वो लड़का बाद में कमेंट देखकर समझ जाए और आपकी भी वहाँ पर खिंचाई हो सके। चलिए आगे चलते हैं, ब्रिक मेजनरी की बात करते हैं साथियों। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप जान रही हैं कितना मेहनत पड़ रहा है और आगे कितना मेहनत हम लोग करने वाले हैं आपके लिए, वो भी आप देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं ब्रिक मेजनरी की, ब्रिक चिनाई की। ये क्या है कि साथियों, हाईली ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। इट इज बिल्ड बाय प्लेसिंग ब्रिक्स इन मोर्टार इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू कंस्ट्रक्ट सॉलिड मास दैट विथस्टैंड एग्जर्ट्स लोड। क्या बोल दिया पता नहीं चला ना, मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल। क्या बोला गया है, ये बहुत ही ड्यूरेबल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन का। और इसको हम कैसे बिल्ड करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर हम क्या करते हैं, ब्रिक को प्लेस करते हैं मोर्टार के साथ, ताकि वो जो उस पर लोड आ रहा है ना, उसको वो बियर कर पाए, बियर नहीं मतलब उसको उसके साथ विथस्टैंड, मतलब उसमें कुछ स्ट्रेंथ आ जाए। यहाँ की और बोली गई, द बॉन्ड इन ब्रिक मेजनरी विच एडेयर्स ब्रिक टुगेदर इज प्रोड्यूस बाई फिलिंग ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक्स विथ सुटेबल मोर्टार। वही सारी बात हो गई कि जो ब्रिक हैं उनको हम जो जुड़ाई करते हैं, एक दोनों को साथ लाना होता है, अलग अलग ब्रिक क्या हैं, कभी नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ हम क्या करते हैं, मोर्टार यूज करते हैं, ताकि एक दोनों मोर्टार जो दोनों ब्रिक्स हैं वो साथ में आ जाएँ, और जो मोर्टार होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ बात की गई। आप यहाँ पे एक ब्रिक देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पर ब्रिक है, मैंने आपको इससे कुछ और दिख रहा होगा, यहाँ आपको ऐसे एक फ्राक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको जिस हमने बताया था आपको, मैंने आपको ब्रिक में बताया था थोड़ा सा, इससे आपको यहाँ बीच में फ्राक देखने को मिल जाता है। तो साथियों हमारा क्या है, हेडर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, हेडर। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और ये जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। और ये जो अपर और लोअर सरफेस, वो हमारा क्या है, हेड है, सॉरी बेड है, बेड क्या, बेड। तो हमारा हेड हो गया, ये हमारा बेड हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कितने होंगे, दो होंगे, एक फ्रंट साइड, एक यहाँ पे अपोजिट साइड होगा, हेडर भी एक इधर है तो एक अपोजिट साइड होगा, बेड भी एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। तो हमारे क्या हो गए, बेड हो गए, और ये हमारे हेडर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। क्यों, क्योंकि अभी हम इसका यूज करने वाले हैं जब हम बात करेंगे मेजनरी की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड, कितने प्रकार के ब्रिक बॉन्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होते हैं, हेडर बॉन्ड क्या होते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होती है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होती है। तो स्ट्रक्चर बॉन्ड समझ गए, जब स्ट्रक्चर मतलब कि हमको इस वाले पार्ट से कुछ ना कुछ लेना देना है। आगे बात करेंगे, अब हम हेडर बॉन्ड की बात करेंगे तो हमको इस वाले पोर्शन से कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें होंगी। फिर जब इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड की बात करेंगे तो हम उसको हम समझा देंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तो साथियों फिर चलते हैं आगे, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि आपको मज़ा आता रहे, बीच में ऐड भी मज़ा लेते रहिएगा, क्योंकि वो तो जानते हैं उसको तो ऑन करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होते हैं, दिस बॉन्ड इज समटाइम्स रिफर्ड एज द वॉकिंग बॉन्ड। क्या, इसको हम वॉकिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। हो सकता है आपको दोनों में पूछ ले वॉकिंग बॉन्ड क्या होता है, लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं करने वाला, वो स्ट्रक्चर बॉन्ड ही पूछेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट बॉन्ड दैट इज यूज टूडे, बहुत सिंपल सा बॉन्ड है जो हम यूज करते हैं। और ये जो बॉन्ड्स हैं, नॉट सुटेबल एज ए स्टैंड लोन स्ट्रक्चर बॉन्ड, मतलब कोई एक सिर्फ एक वाल खड़ी हुई है तो वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल नहीं होती। एंड ए स्ट्रक्चर वॉल फॉर्म डायरेक्टली बिहाइंड इट फिट विद द वॉल टाइप, या फिर कोई जैसे वॉल टाइप के साथ बंधी हुई है, फिट उसकी पीछे है, तो वहाँ पर भी ये सुटेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर होता क्या, एक्चुअली ये समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमको फ्रंट फेस हमको जो दिखता है, देख रहे हैं ना, आपको नहीं दिख रहा हो कलर, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कलर चेंज करने के लिए। तो ये आपको फेस दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, जो फेस हमको दिखता है वो स्ट्रक्चर फेस दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड। यहाँ चीज़ बोला गया है कि स्ट्रक्चर बॉन्ड आर टिपिकली यूज फॉर अ फेस फॉर द मेन स्ट्रक्चर बिल्डिंग, जैसे हमको दिखाना हुआ, मैं हमको बॉन्ड को दिखाना है तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बॉन्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन दिखता है और साथ में एक अच्छा सा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हैं हम ना, आपको अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, चाहे ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ ऐसे जाएँ, एक अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल जाता है। ये बॉन्ड कहाँ पर यूज किए जाते हैं, बॉन्ड इज यूज इन द गार्डन वॉल्स, बट वेन कंसिडरिंग लैंडस्केप यू शुड लुक फॉर द अदर अट्रैक्टिव बॉन्ड सच एज इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिंग बॉन्ड। अगर इसको गार्डन में तो यूज करते हैं, लेकिन ये जो हमको लैंडस्केप में यूज करना है, जहाँ हमको थोड़ा सा लोड आनी है, तो वहाँ पर हम दूसरे बॉन्ड भी जाते हैं।
साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको बॉन्डिंग भी जब भी करें, जब भी हम ईंट की चिनाई करते हैं, मजंडी करते हैं ब्रिक की, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो पैरेलल दो लेयर की ज्वाइंट की कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हो गई एक ब्रिक, ये हो गई एक ब्रिक, एक ब्रिक हमारी ये हो गई, बीच में हमारा क्या हो गया मोर्टार हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया मोर्टार हो गया। फिर हम जब दूसरा लेयर ज्वाइन किए तो हमको यही सेम, हमको सेम जगह पर हमको मोर्टार की ब्रिक की ज्वाइंट हमको देखने को नहीं चाहिए। इससे हमारा क्या होता है बॉन्डिंग या फिर हमारी वाल जो होती है वीक हो जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारा जो जॉइंट होना चाहिए वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, मतलब एक वर्टिकली नहीं होना चाहिए बिटवीन दो टू कंसेक्यूटिव लेयर्स में। बाकी आप यहाँ पे एक लेयर के बाद फिर एक अल्टरनेट लेयर के एक वर्टिकल हो सकती है, लेकिन दो कंसेक्यूटिव लेयर जो दोनों सेम लेयर है एडजेसेंट लेयर वहाँ पे हमारी सेम नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो इंग्लिश बॉन्ड हो, चाहे हेडर बॉन्ड हो, चाहे स्ट्रेचर बॉन्ड हो, चाहे इंग्लिश बॉन्ड हो, चाहे फ्लेमिश बॉन्ड हो, ये सारी सभी बॉन्ड में हमको ये ध्यान देनी है जब हम ब्रिक की मेजंडी करते हैं तब। अच्छा अब हम बात करते हैं हेडर बॉन्ड की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको लॉन्ग लेंथ दिख रही थी ना, यहाँ पे आपको स्ट्रेचर दिख रहा था आप जब खड़े होंगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको हेडर दिखेगा। यहाँ बोला गया ना हेडर इज द शॉर्ट फेस ऑफ द ब्रिक इज सीन इन हाइट, तो उसकी हाइट को देखते हैं जो शॉर्ट वाला फेस होता है सबसे छोटा, जिसके एरिया सबसे छोटा होता है वो हमारा होता है हेडर। तो इसकी जो साइज यहाँ बोला गया इट हैज़ 90x90 mm फेस, द हेडर ऑफ ब्रिक मेजरली ऑलवेज अरेंज इन हेडर कोर्स एज द सोन इन फिगर, इस प्रकार से हमको इसको हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा बात करते हैं, यूजफुल बिल्डिंग, जैसे हम थिक वाल बना रहे हैं सिंगल वाल के लिए, जो हमारे थिक वाल होते हैं ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक आपको ड्राबैक देखने को मिल जाता है, ये उसके ऊपर थोड़ा सा वीक हो जाती है, क्योंकि आपको देखना है ना जो जॉइंट्स होते हैं थोड़ा पास पास हो जाते हैं, थोड़ा सा पास पास हो जाते हैं, तो इसको मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हेडर बॉन्ड में। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम हेडर बॉन्ड बनाते हैं तो हम तभी यूज करते हैं जब हमको एक ब्रिक मतलब कि लगभग जैसे बोलते हैं 4 इंच 9 इंच, तो 9 इंच से जब ज़्यादा दीवार लेते हैं फिर 9 इंच के लेते हैं तब हम इसको ज़्यादा यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं साथियों फ्लेमिश में, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होती है, देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक ही लेयर की बात करेंगे, जैसे एक लेयर है ना, हम दूसरी लेयर पे हमको नहीं देखना है, हम सिर्फ एक लेयर की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे होगा जब एक लेयर की बात करें तो हमको अल्टरनेटिव एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक हेडर दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक हेडर दिखेगा, तो इस प्रकार से हम जब बॉन्ड हमको दिखता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, ये भी अधिकतर हमको यूज होता है आजकल के हमारे बिल्डिंग में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चीज़ ये होता है कि यहाँ पे इन डिटेल को देखने में हमको ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस प्रकार के बॉन्ड को ध्यान देना, क्योंकि हमको हमेशा ध्यान होता है एक स्ट्रक्चर हो गया तो हम एक हेडर रखने वाले हैं, फिर हेडर के बाद फिर स्ट्रक्चर रखना है, अगर दो हेडर रख दिए बाद में तो हमारी जो जॉइंट है वो सीधे एक लाइन में हो जाएगी, तो हमको बहुत ही ध्यान देखना पड़ जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड की, तो अब हम यहाँ पे एक लेयर की नहीं दो लेयर की बात करेंगे, जैसे हम इन दोनों लेयर की हम बात करेंगे तो हमको एक लेयर में स्ट्रक्चर दिखेंगी और दूसरे लेयर हमको हेडर दिखेंगी, तो हम उसको कहलाते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे 1 कोर्स हेडर फिर देन 3, 5, 7, मतलब कि अगर हम क्या किए पहले हमारा हेडर है पहले पे, फिर तीसरे पे, फिर पांचवे, फिर सातवें हमको हेडर दिखेगा, यदि हमारे पे दूसरे में अगर हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दूसरे में, फिर चौथे में, फिर छठवें हमको क्या मिलेगा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे बात हो गई, हम बात की किसकी इंग्लिश बॉन्ड की। जो हमारे हमने कितनी बात की आप बात करें तो हम 4 टाइप्स का बॉन्ड की बात किए, स्ट्रक्चर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। तो साथ ही हम हेडर बॉन्ड की यूज करते हैं या फिर यहाँ पे बात करें फ्लेमिश बॉन्ड में, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हेडर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडर स्ट्रक्चर दोनों को देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, स्ट्रक्चर बॉन्ड में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, हेडर बॉन्ड में आपको सिर्फ हेडर देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा एक लेयर स्ट्रक्चर की होगी तो दूसरी लेयर हेड की होगी, फिर तीसरी लेयर हमारी स्ट्रक्चर की होगी तो चौथी लेयर हेडर की होगी, या फिर अल्टरनेट कुछ यहाँ पे सीरियल इस प्रकार से कुछ होंगे। अगर हम बात करें फ्लेमिश बॉन्ड में तो एक ही लेयर में आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, हेडर स्ट्रक्चर एक ही लेयर में दोनों को देखने को मिल जाएंगे, किस प्रकार से कुछ बॉन्डिंग होती है। ये हमने बात किया स्टोन की ब्रिक मेजंडरी की बात की, अब हम बात करते हैं स्टोन मेजंडरी की, क्योंकि बहुत टाइम में स्टोन भी यूज होता था, हम कहीं कहीं स्टोन को भी यूज करते हैं एज अ जो बाहर आपको देखते हैं आउटलाइन में या फिर कहीं कुछ होता है तो वहाँ पर हम एक वाल या फिर बॉर्डर के रूम में हम स्टोन भी यूज करते हैं जहाँ पर हमको सस्ता पड़े। तो स्टोन मेजंडरी की बात करते हैं साथियों,
तो स्टोन मेजनरी इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग मेजनरी कंस्ट्रक्शन दैट यूज स्टोन और मोर्टार। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम स्टोन और मोर्टार को यूज करके कोई मेजनरी वर्क कर रहे हैं तो हमारी कहलाती है स्टोन मेजनरी। दिस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज फॉर द बिल्डिंग फाउंडेशन फ्लोर्स ट्रेनिंग वॉल्स आर्चेज वॉल्स कॉलम, इन सब के लिए हम स्टोन मेजनरी यूज करते हैं। क्योंकि पहले स्टोन मिलती थी ये सारी चीज़ पहले की बात है, अब तो ब्रिक यूज होती है अधिकतर, क्योंकि अब स्टोन को उतना कन्वीनियंट नहीं मिलता, उतना हम हैंडल नहीं कर पाते आसानी से, वो मतलब क्यों उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि उसको आसानी से हम उसको चेंज कर पाएँ, उसके प्लेस को चेंज कर पाएँ, उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। द स्टोन यूज फॉर द मेजनरी कंस्ट्रक्शन आर फ्रॉम नेचुरल रॉक्स, ये आपको पता है कि स्टोन हमको हमेशा नेचुरल रॉक्स से मिलती हैं। दीज नेचुरल रॉक्स आर कट एंड ड्रेस्ड इन टू द प्रॉपर शेप इन ऑर्डर टू यूज इन मेजनरी कंस्ट्रक्शन। हम जो हमारी रॉक होती है उसको हम क्या करते हैं, ड्रेस कट करते हैं, फिर उसको ड्रेसिंग करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, या फिर ड्रेस भी नहीं करते, अभी मैं बात करूँगा, कभी ड्रेस भी नहीं करते तो अलग चिनाई हो जाती है। फिर स्टोन आर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड स्ट्रांग बिल्डिंग मटेरियल, जैसे हमने पढ़े चैप्टर हमने पढ़ लिया था। तो कुछ हमारी स्टोन मेजनरी की बात हो गई, ये हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी रबल मेजनरी, एक होती है हमारी एसलन मेजनरी। तो रबल मेजनरी क्या होती है, एसलन मेजनरी क्या होती है, ये हम दोनों बात करेंगे। तो रबल मेजनरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी स्टोन होती हैं वो अनड्रेस्ड होती हैं, मतलब कि उनको शेप को हम एक डिफिनेट शेप में नहीं होता है, उसके कभी छोटे कभी बड़े जो भी हमको बिग स्टोन मिल गया उसको हम यूज कर लेते हैं, तो हमारी अनड्रेस्ड मेजनरी कहलाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेजनरी होती है उनकी थिकनेस भी सेम नहीं होती, और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे यूज करते हैं हम किस प्रकार का हम वहाँ पे क्वालिटी का मोर्टार, किस क्वालिटी का मोर्टार यूज किए हैं। यूज ऑफ लॉन्ग थ्रो स्टोन्स, जो हमारी लॉन्ग थ्रो स्टोन्स हैं इनकी क्या किस प्रकार से हमने यूज किया है। प्रॉपर फिलिंग ऑफ द बिटवीन द स्टोन्स स्पेस एंड जॉइंट, इनके बीच हमने किस प्रकार से मोर्टार को फिल किया है, इन सब पे हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिपेंड करती है। क्योंकि आप जान रहे हैं, आपको देखने पता चल रहा है कि हम अगर इसकी बिना मोर्टार के अगर हम इसको यूज कर दें तो सारी कुछ दिन में ही गिर जाएं, या कुछ थोड़ा सा हवा का झोंका आया थोड़ा सी तुरंत गिर जाएंगी, उतनी स्टेबल नहीं रहेंगी। तो इसलिए हम इसको मोर्टार के द्वारा से इसको हम मोर्टार या जो बैंडिंग मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप है साथियों, कोर्स रबल मेजनरी, अनकोर्स रबल मेजनरी, डाई रबल मेजनरी, पॉलीगॉन मेजनरी एंड फ्लिंट मेजनरी। इसकी हम बात करने वाले नहीं है क्योंकि आपको इतना ही बहुत है, इतना लिख देंगे एग्जाम में तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं, आप वहाँ पे हमारा अगला आता है एसलर मेजनरी। वहाँ पे हमने क्या किया, इसकी कोई ड्रेसिंग नहीं की थी स्टोन को, आपको देखने में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई ज्वाइंट आपको नहीं देखना है, सारी चीज़ आपको यहाँ नहीं देखनी पड़ती। लेकिन जैसे हम जाते हैं एसलर मेजनरी में तो हमको यहाँ पे एक अच्छा सा लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ड्रेस्ड स्टोन है उनको हम यूज करते हैं, उनको हम यूनिफॉर्म और फाइन जॉइंट्स को हम रखते हैं। द थिकनेस ऑफ द जॉइंट्स रेंजेज अबाउट 3 mm विच इज अरेंज इन द वेरियंट पैटर्न। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है जॉइंट को 3 mm तक होती है, उस पर अलग अलग पैटर्न में हम इसको चेंज हो जाती है। द साइज ऑफ द स्टोन ब्लॉक मस्ट बी इन प्रपोर्शन ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल्स। इसकी जो साइज की थिकनेस है या फिर साइज की स्टोन ब्लॉक की जो साइज है उसको इस प्रकार से रखते हैं कि जिस थिकनेस की जिस जो वॉल की थिकनेस हमको चाहिए वो एक स्टोन हमको मिल जाए। इसमें इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे एसलर फाइन मेजनरी, एसलर ब्लॉक इन कोर्स, एसलर चैम्फर्ड मेजनरी, एसलर रफ टूल मेजनरी, रॉक और क्वेरी फेट मेजनरी, ये कुछ इसके टाइप्स हो जाते हैं। साथ ही हमने बात किया क्या फ्लोरिंग की बात की, डिग मेजनरी की बात की, और हम बात की एसलर मेजनरी की। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, उसको हम बात करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, एक हमारा रहेगा कैविटी वाल, दूसरा रहेगा हॉलो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैविटी वाल, इसको मैंने आपको थोड़ा सा बात कर दिया था कहाँ पे, जब हमने बात कर रहा था हीट इंसुलेशन की या फिर साउंड इंसुलेशन की, बिल्कुल सेम यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ टू पैरेलल मेजनरी वर्क, यहाँ पे मतलब टू पैरेलल वॉल्स खड़े किए जाते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप होता है जहाँ पे हमारी कंटिन्यूस हमारी एयर वहाँ पे फिल हो जाती है, फिर वहाँ पे एयर के लिए कैविटी हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो जो कंटिन्यू स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है, कैविटी। देखिए यहाँ पे एक वाल हो गया, एक वाल यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा जो स्पेस है वो कहलाता है हमारा कैविटी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ होता है वो तीन पार्ट में होता है, पहला हमारा होता है आउटर लिफ विच इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल, ये हमारा आउटर लिफ हो गया। कैविटी ये हमारा जहाँ पे स्पेस छूटा है बीच में, जो यहाँ पे बीच में गैप छूटा है उसको बोलते हैं कैविटी। इनर लिफ विच इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल, ये हमारा इंटीरियर पार्ट जो हमारा इनर लिफ इसको बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कैविटी होती है उसके अगर थिकनेस की बात है हमारा 50 mm से 75 mm तक, मतलब कि 5 to 7 cm हमारी ये विड्थ हो सकती है। द थिकनेस ऑफ द आउटर लिफ
वॉल विच इज यूजली नॉन लोड बेरिंग एज हाफ ब्रिक। जैसे हम ये हमारी आउटर लिप है, ये हमारी क्या होती है नॉन लोड बेरिंग वॉल है, इसमें हमारी कोई लोड नहीं आने वाले, तो हमारी हाफ ब्रिक की हो सकती है। देखिए हाफ ब्रिक की, अगर ये हमारी फुल ब्रिक होती तो हम ईंट को इस तरह से रखते होते हैं, हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। तो हमारी जो आउटर लिप होती है उसको हम हाफ ब्रिक की रखते हैं, जो इनर होती है उसकी थिकनेस कम से कम 1 ब्रिक की होनी चाहिए, मतलब कि 9 इंच जिसको बोलते हैं उतनी हमारी होनी ही चाहिए। टू प्रिवेंट द डैपनेस एंड प्रोवाइड गुड इंसुलेशन फ्राम हीट एंड साउंड, ये हमको अच्छे सा साउंड इंसुलेशन साथ में हीट इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाती है। बोला गया इंटीरियर वॉल इज मेड थिनर एंड इनर वॉल इज सफिशिएंट थिकनेस टू टेक अप द लोड। जैसे मैंने बताया जो आउटर वॉल होती है वो थिनर बनाई जाती है, सिर्फ हमको क्या करना है साउंड को अब्जॉर्ब करना है, एक झूठी दीवार बना देनी है बस लोगों को धोखा देने के लिए, बीच में गैप करनी है, उसके बाद जो लोड आएगा वो साथ में इंटीरियर वॉल पे आने वाला है हमारे पास, ये मतलब कि कैविटी वॉल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते साथियों भालो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की। साथियों मेरी एक हिम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हमारी मेहनत आप पर ही डिपेंड है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर होगा, ज़रूर व्यू आएंगे, नहीं आएगा तो हम भी डिमोटिवेट होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। क्यों जानते हैं वैसे भी एजुकेशन वीडियो कौन देखता है भाई साहब, जानते हैं आप भी एग्जाम आया तब तो आप देख रहे हैं, तो समझा करिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। हालो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है आप समझ जाते होंगे नाम से ही, हालो ब्लॉक, ब्लॉक तो समझ रहे हैं लेकिन हालो मतलब बीच से खोखला है, खोखला है ना, वही चीज़ बोल रहा हूँ, खोखला ही है। ये बनाया जाता हमारा क्ले से या फिर टेराकोटा जो है उससे हमारा बनाया जाता है। ये अलग अलग डिजायर्ड शेप और साइज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन जो इसकी यूजुअल साइज़ है वो हमारी है 300x200 mm, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो 50 mm से 150 mm, मतलब कि 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक हमारी वैरी करती है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ये हमारी बात करते हैं कि हमारी क्या होंगी, अगर इसकी बात करें तो हमारी क्या होगी, ये साइज हो गई, ये साइज जो हमारी है वो होती है 300 mm से 200 mm के बीच में हो सकती है, 300x200 mm। और जो थिकनेस है ये वाली बात करें तो ये हमारी होती है 50 mm से 150 mm तक। अब थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे जो होती है इसमें कुछ ग्रूव्स बने होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं, आपको ग्रूव्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए ग्रूव्स बने हुए हैं, ये ग्रूव्स बने हुए हैं, जिसकी सहायता से ये दो ब्लॉक आसानी से आपस में रिजिडली हमारे ज्वाइंट हो सकते हैं। सरफेस ऑफ द ब्लॉक इज समटाइम्स केप्ट ग्लेज्ड वैरायटी ऑफ द कलर, यहाँ पे इसको हम इसकी ग्लेजिंग कर देते हैं, ये सरफेस की ग्लेजिंग कर देते हैं, जैसे हम जिस प्रकार से हमको कलर की जरूरत होती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा ये हमारी हालो ब्रिक्स होती हैं। अब साथ में इसके फायदे क्या हैं, ये हमारी लाइट एंड वेट होती हैं, इसमें कोई श्रिंकेबल हमको श्रिंकेज नहीं देखने को मिलती, और साथ में ये फायर और साउंड को प्रिवेंट करती हैं, मतलब कि हीट इंसुलेशन और फायर इंसुलेशन दोनों में वर्क करती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे एडवांटेज होते हैं कि ये हमारी जो मोटार की है वो इसमें कंजप्शन, मोटार का कंजप्शन कम होता है, साथ में जो इसकी स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है, और लेस नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ देखिए ब्लॉक्स हमारी कम नंबर में लगते हैं क्योंकि ये साइज भी बड़े होते हैं इसकी, क्योंकि ये हाल हो गया स्ट्रेंथ तो वो इतना ही देनी है, इस कारण हमारा इसका वेट भी जो डेड लोड होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। इस प्रकार साथियों हमने बात किया, क्या बात की हमने, फ्लोर की बात किया, ब्रेक मेजरने की बात की, स्टोन मेजरने की बात की, कैविटी वाल की बात किया, और हालो ब्रेक कंस्ट्रक्शन की बात किया। जिस प्रकार साथियों हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है साथियों, तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये तो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट है, हम लोग थक जाते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस बार तो करके जाइएगा, और कोशिश करिए कि इस बार हमारा 20K सब्सक्राइबर जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप ही पर डिपेंड है, आप जितना वीडियो शेयर करेंगे उतना ये वीडियो चलेगा और सब्सक्राइब लोग करेंगे, क्योंकि आपको पता हम ऐसे कंटेंट प्रोवाइड ही करवाते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।